महिलाओं को होंठों पर लगाने वाली लिपस्टिक अब प्राकृतिक चीजों से बनी मिलेगी, जिससे महिलाओं को अब होंठों पर केमिकल भरी लिपस्टिक लगाने से छुटकारा मिलेगा। सीएसआईआर हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों ने तकनीक तैयार कर ली है। संस्थान ने हरी सब्जियों से बनने वाली लिपस्टिक तैयार की है। ये 3 या 4 रंगों में निखर कर आएगी। महिलाओं को होंठों पर लगाने वाली लिपस्टिक अब प्राकृतिक चीजों से बनी मिलेगी, जिससे महिलाओं को अब होंठों पर केमिकल भरी लिपस्टिक लगाने से छुटकारा मिलेगा। सीएसआईआर हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों ने तकनीक तैयार कर ली है। संस्थान ने हरी सब्जियों से बनने वाली लिपस्टिक तैयार की है। ये 3 या 4 रंगों में निखर कर आएगी। ये लिपस्टिक काली पत्ता गोभी, चुकंदर, काली गाजर आदि से तैयार की गई है, जिस पर इसका कलर गुलाबी, मैरून, लाल या और भी निखरेगा। IHBT इस तकनीक को जल्द बाजार में लाना चाहती है, ताकि आए दिन निकलने वाले आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनों के जगत में ये लिपस्टिक अन्य को मात दे सकती है। केमिकल रहित बनने वाली इस लिपस्टिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, साथ ही ये पूरी तरह प्राकृतिक होगी, जिससे होंठों के खराब होने का कोई खतरा नहीं होगा। जबकि केमिकल से भरपूर भरे पड़े कई सौंदर्य प्रसाधनों से महिलाओं को कई समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन इसका कोई हानि नहीं होगी। अब उद्योग जगत में इस तकनीक का कोई अच्छा खरीदार मिल जाता है, तो आने वाले दिनों में महिलाओं को केमिकल रहित लिपस्टिक बाजार में मिलेगी। बताया जाता है कि इसकी तकनीक को लेकर IHBT को 1-2 जगह पर बात चली हुई है, जिससे इस लिपस्टिक की बाजार में जल्द उतरने की संभावना बन गई है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, रंगों का प्रयोग बहुत होता है, उनमें अधिकतर सिंथेटिक होते हैं, बड़े हानिकारक रसायन हैं। CSIR IHBT संस्थान ने हरी सब्जियों, काली पत्ता गोभी, चुकंदर, काली गाजर, लाल गोभी से रंग निकालने की तकनीक तैयार की है। इन रंगों का प्रयोग हम मिठाइयों, कैंडी या किसी खाद्य पदार्थ में प्रयोग किया जा सकता है। लिपस्टिक में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है, अधिकतर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। संस्थान ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रंगों से हर्बल लिपस्टिक तैयार की है, और लिपस्टिक में ऐसा कुछ प्रयोग नहीं किया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। लिपस्टिक को जल्द बाजार में उतारने के लिए कंपनियों से बात चल रही है। कि जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उन सबों में रंगों का बड़ा प्रयोग होता है, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो चॉकलेट हो, हर जगह, चाहे वो टॉफीज हो, कैंडीज हो, हर जगह रंगों का बहुत प्रयोग होता है। मिठाइयों में आप देखें किस किस्म के रंगों का प्रयोग होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकतर रंग जो हैं ये सिंथेटिक हैं, ये और बड़े हानिकारक रसायन हैं, जितने भी हमारे रंग जो हम प्रयोग करते हैं खाने के लिए। हालांकि आप देखेंगे हर एक के ऊपर लिखा रहेगा एडिबल कलर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये रंग स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, हानिकारक होते हैं। हमने ये देखा कि हमारे पास कई किस्म की सब्जियां हैं, जैसे आप देखें चुकंदर है, काली गाजर है, आप देखते हैं गोभी है, काले रंग की गोभी है, ऐसे कई सारे ऐसे हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जिनसे हम कलर निकाल सकते हैं। तो हमारे संस्थान ने सब्जियों से प्राकृतिक तरीके से ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग करके हम लोगों ने कई किस्म के रंग तैयार किए हैं अपनी प्रयोगशाला में, और इन रंगों का प्रयोग हम अनेकों अनेक तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप मिठाइयों के लिए करना चाहें, चाहे आप कैंडी में डालना चाहें, या किसी भी खाद्य पदार्थ में डालना चाहें कर सकते हैं। फिर हमने नोट किया कि हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, हमारे देश में क्यों, पूरे संसार में लिपस्टिक का प्रयोग बड़ा आम है, लेकिन आप देखें लिपस्टिक में भी जिन रंगों का प्रयोग होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रंग होते हैं, और जब कोई भी चीज होठों पे लगाई जाएगी तो उस पेट के अंदर जाना स्वाभाविक ही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम प्राकृतिक रंगों से, जो कि सेफ हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, हम उनसे लिपस्टिक क्यों ना तैयार करें। और जब लिपस्टिक तैयार करें तब भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि उसमें जो इंग्रेडिएंट हम यूज करें, जो उसके घटक हम यूज करें लिपस्टिक बनाने के, वो भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो। हमने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी लिपस्टिक तैयार करी है प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक तेलों से और प्राकृतिक मोम का प्रयोग करके। हमने कोशिश ये करी है कि कोई ऐसी चीज हम ना डालें उस लिपस्टिक में जो स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक हो।
ये लिपस्टिक अब हमारी काफी अभी हमने उसके ट्रायल वगैरह किए हैं, उस लिपस्टिक के काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कंपनी के साथ बात भी चल रही है कि अगर वो लिपस्टिक का मास प्रोडक्शन करके मार्केट में लॉन्च करें। संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर पमिता ने कहा कि सब्जियों से हमने जो प्राकृतिक रंग निकाले हैं उनका हम खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इन प्राकृतिक रंगों से हमने हर्बल लिपस्टिक तैयार की है। ये हर्बल लिपस्टिक गुलाबी, बैंगनी, चेरी रेड, ऑरेंज रंग बनाई गई है। शोध में ये पाया गया है कि इस हर्बल लिपस्टिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे संस्थान ने जो प्राकृतिक रंग प्रोड्यूस किए हैं उनका उपयोग खाने की चीजों में हो रहा है। वो उन्हीं रंगों से हमने एक हर्बल लिपस्टिक तैयार की है जो कि पिंक, पर्पल, चेरी रेड व ऑरेंज कलर में उपलब्ध है। और इस हर्बल लिपस्टिक को हमारे संस्थान के छात्राएं व स्वयं मैं भी इनको उपयोग कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, इनमें कोई विषाक्तता नहीं है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।